रोज मेरे मन आ गए यार, थोड़ा लेट हो गए। एक्चुअल में क्या है कि एक नेट काम नहीं कर रहा है, और एक नेट काम नहीं कर रहा है और इधर हम लोग लाइव नहीं हो पा रहे थे, तो थोड़ा सा राउटर राउटर फिर से स्टार्ट किया, फिर मैं लाइव आ पाया हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? हेलो हेलो, माइक चेक, ओके ऑल गुड। यार मैं लाइव क्यों नहीं हूँ? एम आई लाइव? यस यस यस, लाइव है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया, चकाचक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डीसीए में। और आप डीसीए आपका एंड्रॉयड पर भी उपलब्ध है, तो रीडिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप था आप उसे जरूर ज्वाइन रखें। और इसके अलावा भी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अब से पीडीएफ टेलीग्राम पर नहीं आएगी, अब से पीडीएफ केवल ऐप पर मिलेगी। और ऐप का लिंक आपके जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन के ऊपर एक नीला नीला सा पट्टी बन के आ रहा होगा, उसके ऊपर पिन है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग, 10,000 लोग वहां पर हैं, वो सभी लोग ऐप पर उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइंस है, 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। जैसा कि आज 5 जून है तो आज मनाया जा रहा है, सॉरी आज 6 जून है, कल मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स संप्रीति का 10वां संस्करण का आयोजन किया गया। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। आईएसएसएफ विश्व कप में आशीष स्वप्निल ने जीता है 50 मीटर राइफल में 3P मिक्स में स्वर्ण। पंजाब ने जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। मनसुख मंडाविया ने किया बिहार में फसाई की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत की। और खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे संस्करण का उद्घाटन हरियाणा में हो चुका है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, ये बात एकदम सच है। और बुरे दिन वो नहीं होते हैं, बुरे दिन वो होते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, लिथार्जिक होते हैं, आप समस्या में हैं, आप परेशानी में हैं, ये बुरे दिन नहीं है। बुरे दिन वो कहलाते हैं कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं बट उसके परिणाम नहीं आ रहे, या फिर आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, आप पड़े हुए हैं एकदम बिल्कुल लिथार्जिक से, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बुरे दिन। जैसे आजकल की डेट में अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्ट्रगल, एक नए स्ट्रगल से गुजर रहा हूं, जिसके साक्षी आप सभी हैं, साथी भी आप सभी हैं। कल ऐप लॉन्च किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैं कहूंगा है, मतलब मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। अभी तक उसको 473 लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है, और मैं चाहता हूं कि ये संख्या, मतलब मेरे चाहने तो कुछ हो नहीं जाएगा, 1,000 लोगों के आसपास वो पहुंचे। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। धीरे धीरे हम लोग और मेहनत करेंगे और टीचर्स आएंगे तो उनके भी कोर्सेज वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। अगर जो रीजनिंग का बैच है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। वेलकम टू डीसीए है, ड्रीम टू गोल इसका लोगो है। इसके अलावा संपूर्ण रीजनिंग बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, इसकी क्लासेस 8 जून से स्टार्ट होने वाली है। अब तक का सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन बैच है, इससे सस्ता आपको पूरा रीजनिंग का बैच कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर आप कहीं और से लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप वहां से ले लीजिए, बट इसे भी जरूर लीजिए, फिर दोनों को कंपेयर करिएगा। मैंने कल देखा था कि एक लोगों का रीजनिंग का बैच है, उसमें अनलिमिटेड, उसमें लिमिटेड सीट लिखी हुई है, और हरी करिए 999 रुपए में अभी मिल जाएगा, बाद में आपको 1,000-1,200 रुपए का मिलेगा। तो ऐसी कोई यहाँ पर बीसी नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है वो सिंपल आपका कोर्स है, 300 रुपए का कोर्स है, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, जब मन हो तब ले लीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लास शुरू होने से पहले ले लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनी रहे। पर होता क्या है कि लोग बीच में क्लास लेते हैं आके, कोई लोगों को बकवास लग रहा होगा, लेकिन प्रमोशन करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि डीसीए को जिंदा रखने के लिए इस बैच का जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर करंट अफेयर्स को पेड करना पड़ेगा, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। तो आइए कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन। और जिन लोगों ने बैच नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन तो सभी को करना है, छोड़ूंगा किसी को नहीं। अगर अभी ऐसे नहीं ज्वाइन करोगे तो फोन कर करके परेशान करूंगा, फोन करूंगा भाई बैच ज्वाइन कर ले। तो सभी लोगों को ज्वाइन करना है, मजाक कर रहा था। आइए प्रीवियस डे रिवीजन कर लेते हैं, आइए फटाफट से आंसर करिए। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। ये किसका कंप्यूटर है? ये यूएसए का कंप्यूटर है। ये किसका कंप्यूटर है? यूएसए का कंप्यूटर है जी। ठीक है, अगर ये कोर्स अच्छा नहीं बिका, जैसे अभी तक केवल 35 लोगों ने उस कोर्स को परचेज किया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 35 लोगों का मतलब क्या होगा।
कि अभी पूरा उसका कॉस्टिंग नहीं निकल पाया, 3 महीने तक मैं वो कोर्स पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर उसको कम लोग खरीदेंगे तो मुझे सीए को पेड करना पड़ेगा, फिर सीए की क्लासेस आपकी ऐप पर चलेंगी, और इसका रहेगा 100 रुपए मंथली, उसमें डेली करेंट अफेयर्स रहेगा, आपका मंथली करेंट अफेयर्स रहेगा, अगर आप कहेंगे तो वीकली करेंट अफेयर्स भी रहेगा, पीडीएफ वीडीएफ से फिर आपको 100 रुपए मंथली देना पड़ेगा। मजबूरी है मेरी, जिंदा रहने के लिए खाना तो जरूरी है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ऐप को डाउनलोड करवाइए और ऐप को प्रमोशन करवाइए, ये नीड है, मैं बता रहा हूँ ये जरूरत है, ये वो नहीं है कि मैं प्रॉफिट में, मैं लॉस में ना रहूं, मैं वो काम कर रहा हूँ और आपको सब बताता हूँ, मैं एकदम क्लियरली बताता हूँ, आप कहो तो मैं उसका डेटा भी आपको शेयर कर सकता हूँ कि अभी तक सिर्फ मात्र 35 लोगों ने वो कोर्स परचेज किया है और 450 लोगों के आसपास ऐप डाउनलोड हुए हैं, ये एकदम एग्जैक्ट डेटा। आगे आते हैं, कुछ लोग कहेंगे सर ये क्यों आपको अंडररेटेड बता देते हो, लोगों को लगेगा अंडररेटेड है। नहीं यार देखो, जिसकी जिसको जितनी जरूरत है उतना लेते रहेंगे, फिलहाल पढ़ लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में पानी के अंदर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ना, पोसिडियम ऑस्ट्रेलिया उसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया उसका नाम है। अंजुम मौदगिल ने 3 जून 2022 को बाकू अजरबैजान में आयोजित आईएसएफ शूटिंग विश्व कप 2000 में महिलाओं की 50 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने 50 मीटर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। अंजुम मौदगिल ने सिल्वर मेडल जीता था, माफी चाहूंगा कंफ्यूज हुआ मैं, आजकल इतने तो मेडल जीत रहे हैं ये लोग। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल का कार्यक्रम आंचल जो है वो कहां पर शुरू किया गया है, आंचल जो है वो राजस्थान में शुरू किया गया। देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र जो है वो आपका चंडीगढ़ में स्थापित किया गया, कहां पे किया गया, चंडीगढ़। मेघई के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये आपका मेघालय ने जीता है, किसने जीता है, मेघालय ने, ठीक है। आगे बढ़िए, ब्रॉन्ज नहीं सिल्वर था उसका, उसका सिल्वर था बेटा, ब्रॉन्ज नहीं है सिल्वर जीता है अंजुम मौदगिल ने, कंफर्म हूं मैं, ठीक है। शेयर करते रहो वीडियो को थोड़ा सा। हाल ही में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत किसने की थी, तो श्रेष्ठ की शुरुआत की है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों के नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की बात की है, तो नई दिल्ली। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, अंजलि पोनोस्वामी, 102 वर्ष की आयु में इनका निधन। मैंने बोला प्री के लिए वो सफिशियंट है, प्री में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं मेंस लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा, मेंस लेवल की क्लासेस आपकी यूट्यूब पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन वो कोर्स आपका एसबीआई प्री और क्लर्क के लिए सफिशियंट है, आपको ऐसा उसको पढ़ने के बाद कतई नहीं लगेगा कि आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। इस बार इसकी थीम क्या रही है, इसकी एक थीम होती है इसको जरूर याद रखिएगा, है ना। पिछली बार इसकी जो थीम रही थी वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पिछली बार इसको इसकी थीम क्या रही थी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इस बार की थीम अभी आपको दिखा दूंगा मैं, नेक्स्ट स्लाइड पर है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है वो इसकी पिछली बार की थीम रही थी। अच्छा, इसकी इसका जो आयोजन है वो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री करता है, पिछली बार इसका आयोजन जो है वो पाकिस्तान ने किया था। मैं ये दोनों चीजें किसकी बता रहा हूँ, 2021 वाले के बता रहा हूँ, 2021 में इसका आयोजन किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसकी थीम थी। इस बार इसकी थीम है ओनली वन अर्थ, इस बार इसकी थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, और इस बार इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, स्वीडन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, या प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके महत्व को वर्णन करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के समय की गई थी। 2022 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है ओनली वन अर्थ, और इस कार्यक्रम की मेजबानी स्वीडन द्वारा की जा रही है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डे जो हमारे नेचर से रिलेटेड रहे, ठीक है। तो ये दोनों थीम आप याद रखिएगा, एक पहला आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, किसी को पता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इस बार इसकी थीम रही है रिकवरिंग की स्पेसीज, रिकवरिंग की स्पेसीज, रिकवरिंग की स्पेसी फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये इस बार इसकी थीम रही है, फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये इस बार इसकी थीम रही है। वेरी गुड। वर्ल्ड स्पैरो डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे भी आपका मार्च में मनाया जाता है। स्पैरो डे जो होता है वो आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, हर साल कब मनाते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि वत्स्य गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। इस बार इसकी थीम रही है मॉनिटर द स्पैरोज,
मॉनिटर द स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स, मॉनिटर द स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स, एंड अदर कॉमन बर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च के बाद 21 मार्च को मनाइए। चिड़िया को जंगल में ढूंढिए जाके। इस बार इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम आपको हर हाल में याद रखनी होगी, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। मन ना करे तो भी मन मार के याद रखनी होगी, अगर ना याद हो तो पानी के दो चार छींटे मार के याद करनी होगी, लेकिन याद करनी होगी क्योंकि पूछी जाती है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मातृ पृथ्वी दिवस भी इसको आप बोल सकते हैं। ये हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम क्या है मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि विश्व पृथ्वी दिवस की थीम अगर तुम्हें ना पता हुई तो फिर क्या खाक पता हुई। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या रही? इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट। इस बार इसकी थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट, अवर प्लैनेट। अवर भी बोलते हैं कुछ लोग आर बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो भैया, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। तो इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट, पिछली बार इसकी क्या रही थी? पिछली बार इसकी थीम रही थी रेस्टोरेशन आवर अर्थ, पिछली बार इसकी थीम रही थी रेस्टोरेशन आर अर्थ, रेस्टोरेशन अवर अर्थ, पिछली बार इसकी थीम क्या रही थी? रेस्टोरेशन अवर अर्थ, अवर अर्थ 2021 की थीम रही थी। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, वाटर 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 नहीं तो कुछ नहीं। वर्ल्ड वाटर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही है? ग्राउंड वाटर। अब तुम लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या आप पढ़ा रहे हो, लेकिन यही तो पेपर में आएगा, यही आएगा घूम फिर के। अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करें? ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, बार बार इसलिए पढ़ाता हूं ताकि तुमको याद बना रहे। मेकिंग इनविजिबल, मेकिंग विजिबल टू, मेकिंग इनविजिबल टू विजिबल, मेकिंग इनविजिबल टू विजिबल। पिछली बार इसकी थीम क्या रही थी? वैल्यूइंग वाटर, पिछली बार इसकी थीम रही थी वैल्यूइंग वाटर। तो पुरानी वाली थीम इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है तुम्हारा पेपर पुराना वाला आ जाए तुम्हारे पास, कुछ लोग अभी भी इसको देखना बंद कर चुके होंगे, लेकिन अभी देखते रहो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व सॉइल डे, सॉइल डे यानी कि मिट्टी दिवस, मृदा दिवस, ये मनाया जाता है दिसंबर में, दिसंबर में। कौन से दिसंबर में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ये कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्काई डे आपका 20 सितंबर को मनाते हैं, इंटरनेशनल स्काई डे 20 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन कंजर्वेशन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं, और वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाते हैं, और दो दिन बाद विश्व हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। ये कुछ ऐसे डे हैं जो आपके नेचर से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो आज हमने कौन सा डे पढ़ा? आज हमने पढ़ा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस बार इसकी थीम क्या रही है? भूल गए, ओनली वन अर्थ। इस बार इसकी थीम क्या रही है? ओनली वन अर्थ। पिछली बार इसकी थीम क्या रही थी? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। पिछली बार इसकी थीम क्या रही थी? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। शंख पुष्पी पिया करो, याददाश्त बढ़िया रहेगी। हमको भी पीने की जरूरत है, हम भी बहुत भूलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, संप्रीति नहीं हो रहा था 2019 से। संप्रीति क्या है? ये भारत और बांग्लादेश की थल सेनाओं के बीच में होने वाला अभ्यास है। ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 2019 में आयोजित किया गया था, उसके बाद इसको 2021 में आयोजित किया जाना था, बट नहीं हुआ, इसलिए इसको 2022 में इसका आयोजन किया गया। ये इस बार संप्रीति 10वां संस्करण है। कहां पर आयोजित हुआ है? इस बार ये बांग्लादेश में हुआ है। ये कहां पर आयोजित हुआ है? बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? इस बार इसका आंदोलन, आंदोलन है, इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया। पिछली बार इसका आयोजन कहां किया गया था? पिछली बार इसका आयोजन किया गया था मेघालय के उमरोई में। पिछली बार इसका आयोजन कहां किया था? मेघालय के उमरोई में। भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 5 जून 2022 को शुरू हुआ। यह अभ्यास 5 जून से लेकर 16 जून को चलेगा। यसोर सैन्य स्टेशन में इसका आयोजन किया जा रहा है। डोगरा रेजिमेंट जो है वो अपनी गई है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच में क्रियाशीलता को मजबूत करना है। अच्छा, अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में एक अभ्यास हुआ बोंगो सागर। कौन सा अभ्यास हुआ? बोंगो सागर। बहुत कुछ बताऊंगा आज आपको बांग्लादेश के बारे में, आप आज आप बांग्लादेश के एकदम सब कुछ जान जाएंगे।
बांग्लादेश ने अभी शांति रोग्रो सेना नाम का एक अभ्यास भी करवाया था। शांति रोग्रो सेना हड़ताल नहीं होता, इस बार ही करवाया था। वो इसलिए करवाया था, इसमें कई सारी मल्टीनेशनल यानी बहुत सारे देशों की नौसेनाओं को इन्होंने बुलाया। और शेख मुजीबुर रहमान की जन्म सिटी, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है ना, तो उनके नाम पर उनकी जन्म सती के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया। बांग्लादेश की बात की जाए तो 26 मार्च 1971 को ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में आजाद करवाया गया था, इसलिए हर साल 26 मार्च को ये अपना इंडिपेंडेंट डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। रॉयल बंगाल टाइगर, वाह, ये जो है ये यहाँ का क्या है, स्टेट नहीं नेशनल एनिमल है। नेशनल बर्ड है ओरिएंटल मैगपी रोबिन, जैक फ्रूट, कटहल, कटहल इनका नेशनल फ्रूट है, कुछ और खाने को नहीं मिला तो कटहल खा लेते हैं। मैंगो ट्री जो है वो यहाँ का स्टेट ट्री है। फेमस फेस्टिवल ईद उल फितर, ईद उल अजहा और मुहर्रम जो है फेमस फेस्टिवल है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, अभी हाल ही में एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड पाई है। कौन सा अवार्ड पाई है? एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड पाई है। इसके अलावा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है वो अब्दुल हमीद है। नेम ऑफ पार्लियामेंट जातीय संसद है, बंगाली भाषा यहाँ पे काफी तेजी से साथ बोली जाती है, और हाउस जो है वो इंग्लिश में बोला जाता है। टोटल नंबर 350 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बंगाली लैंग्वेज है। 8 प्रोविंस यानी 8 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। मुद्रा टका है। सबसे ऊंची चोटी केकरा डोंग, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केकरा डोंग सबसे ऊंची चोटी है। और सुरमा नदी जो है वो सुरमा है ना। ढाका जो है वो यहाँ का कैपिटल है। ढाका क्या है? वो यहाँ की कैपिटल है। इसके अलावा हाँ, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था अमार सोनार बांग्ला, है ना, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके अलावा दो नाम और याद रखिएगा, किशोर कुमार दास, किशोर कुमार दास, चेन्नई मेरे दिल को दुआ दीजिए, है ना। किशोर कुमार दास जो है उनको अभी हाल ही में पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? कॉमनवेल्थ द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा रिजवाना हसन जो है भाई साहब, ये बांग्लादेश की सबसे साहसी महिला, इनको अभी हाल ही में यूएन द्वारा वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनको वीमेन ऑफ करेज, पिछली बार ये अवार्ड आपकी भारत की कौशल्या शंकर को दिया गया था। इसके अलावा इनका नाम मोहम्मद यूनिस का नाम याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस जो है इनको ओलंपिक लॉरल का सम्मान दिया गया। ओलंपिक लॉरल यानी गरीबों के बैंकर के रूप में इनको जाना जाता है, कई सारे लोगों को लोन दिया है। टोक्यो ओलंपिक दौरान इनको सम्मानित किया गया। एक और नाम आपको मैं बताता हूँ, फिरदौसी कादरी को अभी हाल ही में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? फिरदौसी कादरी उन 5 लोगों में है जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ये भी आपकी कहां से थी? बांग्लादेश से। रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था फिरदौसी कादरी को, इसको याद रखिएगा। और तो और अभी हमारा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, मुझे जगह नहीं मिल रही थी लिखने की, भरा पड़ा हूं मैं आज एकदम उड़ेल दूंगा। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री इन फोकस किसको माना गया? कंट्री इन फोकस किसको माना जाएगा? बांग्लादेश को माना जाएगा। कंट्री इन फोकस किसको लिया गया? बांग्लादेश को लिया गया मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा था? अभी आयोजित हुआ है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? फटाफट बताइए। जोगा जोग का नाम सुना है? ये बांग्लादेशी फेसबुक है। जोगा जोग जो है ये बांग्लादेशी फेसबुक है। जोगा जोग जो है ये बांग्लादेशी फेसबुक है। और इसके अलावा बांग्लादेश ने जानते हो क्या किया है? बांग्लादेश ने कहा है कि भाई साहब अब हमारा चिटगांव पोर्ट जो है वो अब यूज करो। भारतीयों को कह दिया है भाई चिटगांव पोर्ट जो है वो यूज करो। इससे फायदा क्या होगा? भारत की जो चिटगांव पोर्ट है उस यूज करने से भारत असम मेघालय त्रिपुरा तक बड़े आसानी से पहुंच पाएगा, जो हमें चिकन नेक की वजह से होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है? रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट जो है ये बांग्लादेश में है। क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि भारत ने इसमें काफी सारी टेक्नोलॉजी दी है, भारत ने काफी सारी मदद की है इसको वापस से डेवलप करने में। सादत रहमान का नाम याद रखिएगा, पिछली बार इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार नव और विहान अग्रवाल, कौन? नव और विहान अग्रवाल, ये दोनों भैया हैं, इनको भी अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये भारत के हैं। पिछली बार का अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सादत रहमान को दिया गया था। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि काफी कुछ पता चला होगा। इनका फल बताइए जरा, बांग्लादेश वालों को फल क्या है? कटहल। अब घूम फिर के आते हैं राफेल नडाल के पास, है ना, देखो कितना बूढ़ा नजर आ रहा है, 36 साल का है, कितना बूढ़ा नजर आ रहा है, मैं 35 का हूं, कितना जवान नजर आ रहा हूं, देखो पता नहीं क्या खाते हैं, फल खाया करें। फिलहाल 5 जून 2022 को फ्रेंच ओपन के पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीत लिया है? ये राफेल नडाल ने जीत लिया। और इस तरीके से राफेल नडाल ने 22वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 22वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अकेले खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। किस देश से बिलोंग करते हैं? स्पेन।
किससे बिलोंग करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं और इनके नाम पर बकायदा वहां पर एक दिवस भी मनाया जाता है। राफेल नडाल ने 5 जून को फ्रेंच ओपन में 14वां सिंगल्स खिताब जीता है और 36 वर्ष की उम्र में 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है। महिला सिंगल्स में पोलैंड की विश्व नंबर 1 इगा स्वीटेक ने 4 जून 2022 को पेरिस कोको गॉफ को हराकर 2022 का जीता है। यानी कि आपका इस बार का ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? राफेल नडाल और इगा स्वीटेक। जबकि आपका इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो किसने जीता था? राफेल नडाल और एसले बार्टी। मुझे लग रहा है जैसे पिछली बार नोवाक जोकोविच चारों में था उसी तरह से यहां पर लग रहा है कि राफेल नडाल होगा। फिलहाल अभी तक इस साल का विंबलडन नहीं हुआ है तो पिछले रिजल्ट को देख लेते हैं। पिछले रिजल्ट में नोवाक जोकोविच और एसले बार्टी है, जबकि आपके यूएस ओपन में दानिल मेदवेदेव और एम आर राधाकृष्णन। ये आपके जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये बेसिकली आपके चलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है वो जनवरी के आसपास हो जाता है, मई जून में आपका होता है फ्रेंच ओपन, फिर जून जुलाई में, अभी थोड़े दिन बाद आपका जून जुलाई में विंबलडन हो जाएगा और फिर आपका सितंबर में आपका क्या होगा? यूएस ओपन होगा। यूएस ओपन है हार्ड कोर्ट का और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट का। पूछा जाता है कि किस कोर्ट में खेलते हैं, तो हार्ड कोर्ट में खेले जाने, हार्ड कोर्ट मतलब सीमेंटेड कोर्ट होता है, कोर्ट होता है सीमेंट का कोर्ट होता है, मतलब गिरो तो घुटना उठना छिल जाए एकदम। ये मिट्टी का कोर्ट है, इसलिए फ्रेंच ओपन केवल मिट्टी में कोर्ट होता है और राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। यानी कि अगर क्ले कोर्ट में राफेल नडाल है तो उसको हराना बहुत मुश्किल है। उसके बाद विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। सर इसमें फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि हार्ड कोर्ट पर अगर बॉल गिरेगी तो ज्यादा उछलेगी, क्ले कोर्ट पर गिरती है बॉल तो थोड़ा सा खिसक के उछलती है, मतलब थोड़ा सा लेट आती है, और ग्रास कोर्ट पे तो मतलब और धीमे आती है, बॉल कम उछलती है। तो अलग अलग खिलाड़ी की अलग अलग स्पेशलिस्ट हो जाते हैं कि उसी हिसाब से वो खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, एक और खेल समाचार आपको देता हूं। ये पदक देखो कौन सा लग रहा है, ये है पीला पीला सोना, यानी कि गोल्ड मेडल जीत रखा है। किसने जीत रखा है? स्वप्निल कुसाले और आशीष चौकसे ने यहां पर दूसरा गोल्ड मेडल हमें जिता दिया है 50 मीटर राइफल में। कहां पर? अजरबैजान में, अजरबैजान की राजधानी बाकू। क्या चल रहा है वहां पे? चल रहा है ISSF विश्व कप, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप चल रहा है और यहां पर भारत 2 स्वर्ण जीत चुका है। अभी ये प्रतियोगिता चालू है तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते रहेंगे। अभी तक 2 स्वर्ण और 3 रजत के साथ भारत कोरिया के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर चल रहा है। अब बात कर लेते हैं अभी हाल ही में कौन कौन से स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स रहे, अभी हाल ही में कौन कौन से स्पोर्ट्स करेंट अफेयर रहे। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सेट कर ले क्योंकि ये कम हो गया है। चल हिंदी वाले परेशान ना हो, हिंदी में भी है। साक्षी मलिक, मानसी और दिव्या काकरा। साक्षी मलिक को जानते हो? हाँ, दूर से ही जानना, उठा के पटक देगी, कुश्ती लड़ती। साक्षी मलिक, मानसी और दिव्या, अरे रुक जा, हैं कहां भागा जा रहा है, रुको। साक्षी मलिक, मानसी और दिव्या काकरान ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता बोलाट तुरली खानोव कप, मेंस हॉकी एशिया कप हुआ ना अभी। हाँ, किसने? इंडिया ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता जापान को हराकर। इंडिया ने पहली बार IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में कोई पदक जीता है। कपिल परमार, ये जो देख नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए जूडो का है, कपिल परमार कजाकिस्तान के आपके नूर सुल्तान में ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। अच्छा मुझे बताओ मेंस हॉकी एशिया कप का विनर कौन रहा? इंडिया ने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी इंडिया तीसरे नंबर पर रहा, तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन रहा? दूसरे नंबर पर भी मैं बता देता हूं मलेशिया रहा। अब तुम मुझे बताओ पहले नंबर पे कौन रहा? जापान को तो इन्होंने हरा दिया, पहले नंबर पर कौन रहा है मेंस एशिया कप में? अरे आपस में ही शादी ब्याह कर लियो तुम लोग, हां इधर भी सुन लियो, इतना मेहनत से मास्टर पढ़ा रहा है पगलू, शेयर कर जाओ वीडियो को थोड़ा दम लगा के। इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है इसमें गुजरात टाइटन ने बाजी मार ली राजस्थान रॉयल कोटा कर। जोस बटलर जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नजर आए, ऑरेंज कैप भी वही ले गए, इमर्जिंग प्लेयर रहे उमरान मलिक, पूरा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप ये जर्मनी के सुहेल में आयोजित हुआ, भारत ने 33 मेडल जीते और भारत टॉप पर रहा। IBA वीमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टर्की ने टॉप किया क्योंकि टर्की के इस्तांबुल में हो रहा था। निखत जरीन ने यहां पर स्वर्ण पदक जीता था, भारत इसमें चौथे पोजिशन पर रहा। भारत इसमें कौन से पोजिशन पर रहा है? चौथे पोजिशन, वेरी गुड। साउथ कोरिया ने जीता है। थॉमस कप टाइटल इंडिया ने पहली बार इंडोनेशिया को हराकर जीता। आर प्रज्ञानंदा ने अभी हाल ही में 36वां रेग्जेक्विक ओपन जीता। इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? इंटर मिलान ने जुवेंटस को हराया।
इसके अलावा इटालियन कप ओपन नहीं, इटालियन ओपन तो नोवाक जोकोविच और इगा स्वीटेक ने जीता है, इटालियन ओपन टेनिस से संबंधित है, ये इटालियन कप है, ये फुटबॉल से संबंधित है। हर्षदा शरद गरुड़ ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जूनियर वर्ल्ड कप में पहली बार कोई महिला बनी जिसने गोल्ड मेडल जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है जैन यूनिवर्सिटी में आयोजित किए गए थे और जैन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर टॉप किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटक में आयोजित किए गए। केरल ने बीट किया वेस्ट बंगाल को काहे में संतोष ट्रॉफी में और सातवां संतोष ट्रॉफी टाइटल जीत लिया। हरियाणा जो है वो 12वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है जबकि 12वीं सीनियर वीमेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है, उड़ीसा ने जीता है। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने मेडन अपना पहला वर्ल्ड कप जीता है, ये हिंदी में आ गया। साक्षी मलिक मानसी और दिव्या काकरण ने बोलत तुरली खानो कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर राष्ट्रीय पदक जीता है। भारत ने IBSA जूडो ग्रांड प्री में पहला पदक जीता। इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस ने जीता और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में भारत ने 33 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जिसमें तुर्की में भारत चौथे स्थान पर रहा है, तुर्की पहले स्थान पर रहा है ना, भारत के पदक ये थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है, तुर्की पहले स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता था। थॉमस कप किसने जीता है, इस बार भारत ने इंडोनेशिया को हरा दिया है जबकि उबेर कप इस बार साउथ कोरिया ने चाइना को हरा कर जीता। उबेर कप महिलाओं का होता है। रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ने 36वां रेग्जाविक ओपन जीता है। इटालियन कप में इंटर मिलान ने जुवेंटस को हराया है। हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जूनियर में याद रखेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपके 2021 में दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित किए गए। बैंगलोर में जैन यूनिवर्सिटी ने पहला पदक हासिल किया, पहला स्थान हासिल किया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर सातवां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट जीत लिया है। हरियाणा में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है जबकि उड़ीसा ने पुरुष महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है। सेम T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पंजाब सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। सर ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक वो जो आते हैं ना शादी ब्याह में वो थर्माकोल के कप में चाय पी लेते हो, वो सब जो होता है वो आपका इसी के अंतर्गत आता है, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये खराब नहीं होती है और पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इवन इसको बनाने में भी बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। भारत ने भी, भारत सरकार ने भी कहा है कि 2022 तक 2023 तक हम पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक पे क्या कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। 2023 तक, कब तक प्रतिबंध लगा देंगे, 2023 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो पंजाब सरकार ने ऐसा किया है कि भाई यहाँ पे पूरी तरीके से पर्यावरण दिवस पर घोषित कर दिया है कि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार की बात की जाए तो पंजाब ने ई स्टाम्प सुविधा भी लॉन्च की है, यानी कि पूरी तरीके से अब यहाँ पर जो भी स्टैंप होंगे उसमें आपके पेपर वाले स्टैंप खत्म कर दिए गए हैं, अब केवल आपको ई स्टैंप ही मिलेंगे। पंजाब लोग मिलनी स्कीम जो है भगवंत मान ने शुरू की है पब्लिक लोगों से मिलने के लिए। पंजाब में ही एक फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अभी हत्या कर दी गई है, उसको लेकर के काफी बड़ा बवाल भी मचा हुआ है। दिल्ली पंजाब ने अभी हाल ही में आपस में एक दूसरे को नॉलेज शेयर करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरा घर मेरे नाम की स्कीम पंजाब की है। पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक ये आपको कहां पर मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, यानी कि जो माताएं जो दूध नहीं पिलाने में सक्षम है वो अपने बच्चों को माताओं का दूध लेकर भी पिला सकती हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर हॉकी स्टेडियम का नाम रख दिया है। पटियाला जो है वहां पर एक यूनिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है जिसे सीचवाल मेथड कहा जाता है। पंजाब में अभी हाल ही में 23वां नया जिला बनाया गया जिसका नाम रखा गया है मालेरकोटला। उसका नाम क्या रखा गया है, मालेरकोटला रखा गया है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। नेशनल पार्क अबोहर हरिका झज्जर प्रमुख नेशनल पार्क है। स्टेटहुड डे 1 नवंबर 1966 का पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। स्टेट गेम वॉलीबॉल है। भांगड़ा गिद्दा डाब धमन भांड और नकुअल प्रमुख डांस फॉर्म है। टोटल 23 जिले आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे। लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। एनिमल की बात की जाए तो काला हिरन जो है यहाँ पर इस आपका प्रमुख एनिमल है, स्टेट एनिमल है। बर्ड की बात की जाए तो ये बाज को अपना राजकीय पक्षी मानते हैं। शीशम का पेड़ जो है वो पंजाब का राजकीय वृक्ष है, शीशम का पेड़ जो है वो राजकीय वृक्ष है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो फसाई जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन है वो बिहार में किया गया। आप कहोगे सर बिहार में क्यों किया गया, देखो बिहार का जो बॉर्डर है वो आपका नेपाल के साथ लगता है, छूता है,
और ऐसे में नेपाल से जो भी चीजें आती थी, खाने पीने की जो भी चीजें आती थी, कई सारी चीजें नेपाल से आती, उनको चेक करने के लिए कोलकाता ले जाना पड़ता था, क्योंकि कोलकाता में ही इसका मुख्यालय था, मतलब इसका मुख्यालय नहीं, एक प्रयोगशाला वहीं पर थी। अब ऐसे में ये बिहार के अंदर ही इसको कर पाएंगे, तो बिहार में फंसाई गई प्रयोगशाला खोली गई है, जो नेपाल से रक्सौल से रक्सौल बॉर्डर द्वारा लाए गए खाद्य नमूनों के परीक्षण में लगने वाले समय को कम कर देगा। इससे पहले सभी आयातित नमूनों की जांच के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता भेजा जाता था। फसाई की बात की जाए तो फसाई ने बोला है कि 2021 तक आपको अपने खाद्य पदार्थों में, जो भी अगर आप खाने का कोई सामान बेचते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो बहुत होके जाओगे। और ये भी बोला है कि 2022 तक तो ये 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2022 आ गया है, तो 2% ही आप अपने खानों में ट्रांस, जो आप खाना देते हैं किसी को भी, आप कोई भी फूड एग्रीगेटर है, कुछ भी आप बनाते हैं, तो आप 2% से ज्यादा ट्रांसफैट यानी असंतृप्त तो वसा नहीं रख सकते। पहले ये परमिशन लिमिट 5 थी। फसाई की बात की जाए तो वर्तमान समय में चेयरमैन है राजेश भूषण, और अरुण सिंघल जो है वो फसाई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ बनाए गए हैं। फसाई की स्थापना देश भर में खाने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए 2011 में स्थापना की गई थी। फसाई की स्थापना कब की गई थी? 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संत कबीर अकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर एकेडमी और संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने बताया कि कबीर ने कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन संतों की संगति में उन्होंने अपने अनुभव से ये सारे ज्ञान प्राप्त किए और उनके दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। तो इसको याद रखिएगा, संत कबीर नगर में। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत की है? तो भैया ये कौन करेगा? ये आपका स्वच्छ मंत्रालय, ये हरित क्रांति की, क्या बोल रहा हूँ, स्वच्छ एवं हरित अभियान की जो शुरुआत की है, ये आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने की है पर्यावरण दिवस पर। इस अभियान के तहत शहरी स्थानीय निकाय देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने और पर्यावरण रक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 30 जून को तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। अभियान के हिस्से में से उत्पन्न प्लास्टिक के कचरे का एक हिस्सा या तो सीमेंट संयंत्रों को दिया जाएगा या फिर सड़क निर्माण के लिए आप उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए प्रत्येक यूएलबी कचरे के 100% स्रोत को पृथक्करण अपनाने की भी आवश्यकता बताई गई है। हरियाणा के पंचकुला में 4 जून से लेकर 13 जून 2022 को खेलो इंडिया युवा खेल के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो नए खेल शामिल किए गए हैं वो है थांगता, मणिपुर का है, कलारी पयट्टू, ये किसका है, ये विद्युत जामवाल करते हैं, ये केरला का है, और गतका पंजाब का है, और मलखम ये मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा योगासन भी इसके अंदर नए खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो 4 नए खेल इसके अंदर शामिल किए गए हैं, चौथा संस्करण है। पहला संस्करण इसका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 2018 में इसका न्यू दिल्ली में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था, और 2019 में इसका दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया, 2020 में इसका तीसरा संस्करण आसाम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया, 2021 में हो नहीं पाया था कोविड-19 की वजह से, 2022 में इसका चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। जो हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजित किया जा रहा है, उसका जो मस्कट है उसका नाम धाकड़ है। उसका नाम क्या है? धाकड़। धाकड़ नाम का एक बैल है ना, वो आपका मस्कट है किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम का। खेलो इंडिया यूथ गेम का मस्कट है, हाँ याद रखिएगा। गेम की याद कर लेते हैं, थांगता मणिपुर से है, कलारी पयट्टू केरल से है, गटका पंजाब से है, मलखंब जो है मध्य प्रदेश से है। तो इन 4 खेलों को अभी खेलो इंडिया गेम में शामिल किया गया है, यूथ गेम में। ठीक, चलो भाई, अब बारी है आज के वन लाइनर के। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति शुरू किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। 5 जून 2022 को फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया? राफेल नडाल ने। कितने ग्रैंड स्लैम हो गए हैं? 22 ग्रैंड स्लैम। स्वप्निल क्रुसाले और आशीष चौकसे ने अजरबैजान में आयोजित आईएसएफ विश्व कप में 50 मीटर राइफल मिक्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 5 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पंजाब। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? बिहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संत कबीर अकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत की? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। वर्तमान समय में कौन है अर्बन मिनिस्टर? कौन है? हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून खेलो इंडिया युवा खेल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? चौथा। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि दालचीनी
के पौधे में से निम्न में से किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो बार्क, बार्क का मतलब आप समझ रहे हैं, बार्क का मतलब होता है छाल, छाल दालचीनी की छाल प्रयोग की जाती है। ये थोड़ा सा अगर आप इसे खाएंगे तो गरम गरम सी लगेगी और मीठी मीठी सी लगेगी, सब्जी वगैरह में डाली जाती है, हमारे यहाँ कभी राजमा आजमा बनता है तो उसके अंदर डाल दी जाती है। और पल्लवी गौतम आपका आंसर सर्वश्रेष्ठ लगा मुझे। सिनेमन इज अ स्पाइस ऑब्टेन फ्रॉम इनर बार्क ऑफ सेवरल ट्री स्पीशीज फ्रॉम द जेनस सिनेमन। सिनेमन इज यूज मेनली एज एन एरोमेटिक कॉन्डिमेंट एंड फ्लेवरिंग एडिटिव इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कुशन स्वीट एंड सावरी डिशेज, ब्रेकफास्ट सीरियल स्नैक फूड टीज एंड ट्रेडिशनल फूड। आज का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट रूप से सिल्वर फिश का वर्णन करता है, मतलब सिल्वर फिश है क्या? एक फिश है, एक मछली है, एक कीड़ा है, एक एंथ्रोपोड है या एक मेंढक है? इसका उत्तर आपको कहां पर देना है? इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन पर देना है। और आपका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कल शामिल करूंगा। और मैं आपको बता दूं, आज से ये सारी जो पीडीएफ है ये आपको सिर्फ ऐप पर उपलब्ध होंगी। ऐप का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में ऊपर दिया गया है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऐप का लिंक दिया गया है। तो ऐप आपको डाउनलोड करना ही होगा अगर आप पीडीएफ चाहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सर करंट अफेयर इतना जल्दी क्यों खत्म कर देते हो, मतलब कितनी देर चलाएं, क्या पढ़ाएं, फालतू की चीजें पढ़ाते हैं ना तुमको। करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर है, 10 पढ़ाओगे इसमें से कोई एक न्यूज आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है कि 1.5 घंटे तक हम लोग करंट अफेयर ही पढ़ते रहे। आपका कहने का मतलब क्या, मैं समझा नहीं, इतना जल्दी खत्म कर देते, मतलब मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको टाइम का पता नहीं चलता, ये कहना चाह रहे हो? कोई नहीं, चलता है चलता है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, अच्छा लग रहा है मुझे, है ना, फनी वीडियो। बताइए, चलिए बताइए क्या कहना चाहते हो। अरे कहां जा रहे हो, बतिया लो, थोड़ी देर भागे जा रहे हो सब। ऐप डाउनलोड कर लिए कि नहीं? सर्दियों का टमाटर 45 मिनट, न्यूज ज्यादा आएगी तो ज्यादा करेंगे, न्यूज कम आ रही है आजकल, है ना, जितनी न्यूज 15 आएगी उसमें 45 मिनट में खत्म करें। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका करंट अफेयर 45 मिनट ही चला, थोड़ा सा जल्दी खत्म हुआ। ठीक है, हाँ ट्विंकल जी इसमें इसको कमेंट में वो करिए, 45 मिनट से मतलब नहीं है। अभी कल अभी जो IAS बनी है उसे पूछा गया कि आप IAS बनने के लिए कितना घंटा पढ़ते थे, तो उसने कहा पढ़ाई का संबंध घंटे या समय से नहीं होता, पढ़ाई का संबंध ये इससे होता है कि आपको जितना पढ़ना है आपने वो कितनी देर में पढ़ा। अगर आपने वो 15 मिनट में पढ़ लिया दैट इज सफिशियंट, आपने अगर वो 45 मिनट में पढ़ लिया दैट इज सफिशियंट, तो जितना मुझे पढ़ाना है मैं उतना आपको पढ़ाऊंगा, कंटेंट में कमी नहीं होगी। अगर फालतू की न्यूज होगी तो वो 1 मिनट में जाएगी, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वाली न्यूज। आप बांग्लादेश को कितना ज्यादा एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे मैं तुम्हारा खामखा टाइम नहीं खाऊंगा, है ना। वो लोग वो टाइम खाते हैं, जैसे कई सारे लोग आपने देखो 1.5 से 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं भी कंपनियों में काम करके आया तो मुझे पता है कि यार जितना आप 1 घंटे में पढ़ाने वाले उतना अगर आप 1.5 घंटे खेलोगे तो और पढ़ाओगे तो आधे घंटे की पेमेंट और आपकी बन जाएगी, 1.5 घंटे पढ़ाना है तो 2 घंटे पढ़ाओ, तो वहां पर वो पेमेंट का चक्कर होता है, कोई ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता। तो बेसिकली आप उतना ही पढ़े जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, है ना। हनुमान नहीं उन्हें सीना चीर के दिखा देता कि अगर कहीं पर भी ईमानदारी से, भाई न्यूज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बताओ ये इतनी, ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारा मनी शांत कर देता हूं मैं पूरा, ये जो है अब ये इंपॉर्टेंट था, इसमें जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने बता दिया, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। 2018 का कब हुआ, 2019 का कब हुआ, 2000, अब दिमाग तेज चलता है तो आवाज भी तेज निकलती है, तो कम समय में ज्यादा डेटा आपको मिल जाता है ना। ठीक है, तुम परेशान ना, तुम करंट अफेयर देखो, पेपर देके आओ, डॉक्टर को पता होता है कि कितनी खुराक देनी है, टीचर को पता होता है कितना पढ़ाना है, आप बिल्कुल परेशान ना हो बिना टेंशन के। आपको ये क्यों लग रहा है कि मैं कम पढ़ा रहा हूं, आप ये समझो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है बस, उससे ज्यादा आपको नहीं करने की आवश्यकता, भरोसा रखो मेरे ऊपर, है ना, टेंशन मत लो। बाकी किलर पॉइंट भी बहुत सारे होते रहते हैं, बहुत सारी और चीजें भी होती रहती हैं। ठीक, चलो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, है ना। परेशान बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हारे भविष्य खिलवाड़ नहीं करूंगा,
मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, अगर वो सारे मैसेज मैं आपको दिखाऊं तो आपको लिटरली लगेगा कि सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स मच रहा है। कल यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी कम से कम करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चन आए हैं और 7 क्वेश्चन आपको आते होंगे यूपीएससी के करंट अफेयर्स में। 7 क्वेश्चन आते हैं, 7। मुझे यूपीएससी का कुछ भी नहीं आता था, बाकी मुझे जीके वीके कुछ नहीं आती थी, लेकिन मुझे वो 7 क्वेश्चन आ रहे थे। जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो 7 क्वेश्चन कह रहे हैं सर 7 आते थे, 7 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में करंट अफेयर्स के, 7 क्वेश्चन उन्हें आते थे। कभी डायरेक्ट, कभी किलर पॉइंट, कभी इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, लेकिन 7 क्वेश्चन आए हैं। अभी यूपीपीसीएस का पेपर होगा, देख लीजिएगा पूरा करंट अफेयर्स आएगा। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि पेपर कैप, क्यों, जब मैं करंट अफेयर्स बनाता हूं तो उससे पहले मैं जितने भी पेपर होते हैं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता है जिसको मैं रिसर्च ना करता हूं, जिसके ऊपर मैं काम ना करता हूं कि इसमें करंट अफेयर्स कहां से पूछा गया। मैंने एसएससी के पेपर पे काम किया, सीजीएल के पेपर पे काम किया, सीएचएसएल की आंसर की आएगी उस पर काम करूंगा। कल यूपीएससी का पेपर हुआ है, रात भर बैठ के उस पर भी काम किया कि उसमें करंट अफेयर्स कहां से पूछा गया, आखिर कौन सा सेक्शन है जो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं आपसे एक क्वेश्चन ना छूट जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। बाकी आप भी जानते हैं कि करंट अफेयर्स कितना बड़ा है, मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना कम रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे ऊपर 1% भी डाउट नहीं तो बस मस्त होके पढ़ो, चिल मारो, मस्ती से पढ़ो, और जितना मैं पढ़ा दूं बस उतना, टेंशन ना, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। एक आदमी मर रहा है ना, एक आदमी खून खून गला रहा है ना अपना शरीर, तो तुम काहे गला रहे हो, मुझे ही गलने दो। चलो बाय बाय, टेक केयर। नहीं को थोड़ा कम नहीं पढ़ाने लगा हूं, न्यूज बेटा कम आ रही है अभी, जिस दिन 15-16 न्यूज आने लगेंगे उस दिन 15-16 पढ़ाएंगे, आज 10-12 न्यूज आई तो 10 ही पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी केवल वही पढ़ाऊंगा। अब ये तो नहीं पढ़ा सकता कि भाई तारक मेहता के उल्टा चश्मा में उन्होंने छोड़ दिया है ना, मैंने सिद्धू मूसेवाला नहीं पढ़ाया, क्यों, मुझे पता ही, वो आपको पता है उसमें क्वेश्चन यही बनना है कि किस सिंगर की हत्या हुई थी, तो सबको पता है सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, केके का निधन हो गया, वो मैंने नहीं बताया। तो आपको लग रहा होगा कि मैं कम पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। अगर दिन में 15 न्यूज इंपॉर्टेंट आएंगी तो 15 पढ़ाई जाएंगी, 20 आएंगी तो 20 पढ़ाएंगे, मैं फिक्स नहीं हूं। आप उन लोगों को देखो जो केवल 10 ही पढ़ाते हैं, फिक्स है वो कि वो केवल आपको 10 ही पढ़ाएंगे, 10 से ज्यादा वो कभी नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं मैं करंट अफेयर देखता नहीं हूं लोगों को, देखता हूं, और मैं ये भी देखता हूं कि वो 10 ही पढ़ा के भाग जाएंगे, 10 पढ़ाएंगे वो, इंपॉर्टेंट है तो, नहीं इंपॉर्टेंट है तो 10 ही पढ़ाएंगे। मेरे पास इंपॉर्टेंट 5 ही आएंगी तो मैं 5 ही पढ़ा के जाऊंगा, 20 आएंगी तो 20 पढ़ा के जाऊंगा। आप देखोगे कि कभी कभी करंट अफेयर 55 मिनट का भी जाता है, उस दिन तो ना कहते हो कि ज्यादा पढ़ा देते हो, आज 2 दिन से मैं कम पढ़ा रहा हूं क्योंकि न्यूज नहीं आ रही है, तो तुम कह रहे हो कि सर कम पढ़ा रहे, अरे कम पढ़ा के नुकसान किसका होगा, सबसे ज्यादा मेरा नुकसान होगा कम पढ़ाने में, तुमको लगेगा कम पढ़ाया कम पढ़ाया। हाँ चलो बाय बाय, टेक केयर। रेलवे एम्प्रेंटिस अप्रेंटिस काय करोगे यार, क्या फायदा होगा उससे, मनो तो कर लो नहीं तो चलो, तो क्या करना है उससे, कोई फायदा है उसका, अगर लगता है कि हाँ भविष्य में उसको यूज कर पाऊंगा तो कर। वैसे वो अभी ये है जो पिछली बार अभी आरआरबी वाले ने बोला था ना कि जिन्होंने अप्रेंटिस किया उनको हम थोड़ा ज्यादा मौका देंगे, तो कर लो शायद फायदा मिल जाए बाद में कभी। ठीक है।